हाय एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। ठीक है, सो लास्ट जो लेक्चर्स हम लोगों ने किया था मैथोमीटर पर वो सर्कल्स था, और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे सर्कल का, आई थिंक तुम लोगों ने उसको सीरियसली पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर्स देखने जा रहे हैं मैथोमीटर पर, वो सर्कल्स का ही नेक्स्ट फेज का पार्ट्स है। नेक्स्ट फेज में हम लोग जैसे सिस्टम ऑफ सर्कल्स के ऊपर हम लोग लेक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ सर्कल्स का मतलब है कि प्लेन में अगर मोर देन वन सर्कल्स प्रेजेंट हो तो उस केस में हम लोग क्या इक्वेशंस लिखते हैं, क्या कॉमन टेंजेंट्स होगा, क्या कॉमन कॉर्ड होगा, उसका इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें देखेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें तुम लोगों को बताए थे कि कैसे टेंजेंट्स का इक्वेशन ऑन ए सिंगल सर्कल्स लिखा जाता है, कैसे उसका कॉर्ड का इक्वेशंस लिखते हैं, कैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है ना, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इसी चैप्टर्स के इस पोर्शन से आता है, जिसमें कि कंबाइन किया हुआ रहता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है ना, तो इस जो वीडियो है या इसके आगे जो वीडियो जो होगा उसको भी तुम सीरियसली देखना। ठीक है ना, और इस कॉन्सेप्ट्स को ढंग से पढ़ करके और क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग देख रहे हैं सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो देखो कि जब प्लेन में दो सर्कल्स दिया हुआ हो, ठीक है, उस इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। मान लो कि प्लेन में जो इक्वेशंस है उसका एक इक्वेशन एस वन है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और दूसरा इक्वेशन जो है उसको हम एस टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो है। ठीक है, तो तुम देखो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इसमें जब से ही सर्किल का इक्वेशंस दिया हुआ हो तो इस सर्किल का सेंटर हमको ऑलरेडी पता हो जाएगा। सो इस सेंटर्स को ओ वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका जो कोऑर्डिनेट्स है माइनस जी वन माइनस एफ वन है, और सिमिलरली इसका जो रेडियस है उसको आर वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस आर वन का जो वैल्यू होगा वो जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन है। सिमिलरली सेकेंड सर्किल के जो सेंटर है उसको ओ टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट्स माइनस जी टू कॉमा माइनस एफ टू होगा, और इसके रेडियस को आर टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका इक्वेशन सब लोग जी टू स्क्वायर एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू है। ठीक है, देखो प्लेन में अगर तुमको दो सर्कल्स दिया हुआ हो तो उसके सेंटर और रेडियस तुम्हें पता चल गया। ठीक है, तो जब सेंटर और रेडियस पता चल जाता है तो हम प्लेन में देखते हैं कि इसका पोजीशंस क्या है, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल्स के रिस्पेक्ट में कहां पर है। फर्स्ट हमारा ये टारगेट होगा कि इसका पोजीशंस को पता करना। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ सर्कल। ठीक है, पोजीशन ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू अदर सर्कल। ठीक है, जहां पर दो सर्कल्स दिया हुआ हो तो इसमें तुम्हारे पास कुल मिलाकर के पांच तरह का सिचुएशंस आएगा। ठीक है, देखो क्या क्या सिचुएशंस है और उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिटेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट सिचुएशंस ये आता है कि एक सर्कल जो है इस सर्कल इस प्लेन में यहाँ पर है और दूसरा सर्कल इससे सेपरेटेड है। सब कुछ करो किस तरह से सेपरेटेड है, तो हमें ये मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा कि दोनों सर्किल एक दूसरे को कट या टच नहीं कर रहा है या सेपरेटेड फॉर्म में है। तो बहुत ही आसान साइज में कंडीशंस आता है कि तुम देखो इसका सेंटर हमें पता है O1 और O2, तो क्यों ना हम सेंटर से सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है ना उसको निकाल लें। तो यहाँ से जो O1 से O2 के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम लोग यहाँ पर O1 O2 के डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, O1 O2 का जो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अगर ये D ग्रेटर देन दोनों के रेडियस के सम के बराबर हो जाए, ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, R1 इसका सेंटर रेडियस है और R2 इसका रेडियस है। ठीक है ना, तो तुम्हें यहाँ से देखो कि बहुत ही सिंपल लॉजिकल लॉजिक है कि अगर ये डिस्टेंस इसके रेडियस के सम से अगर बड़ा हो तो इसका मतलब दोनों सर्किल आपस में सेपरेटेड होगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है कि इफ D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 देन सर्कल्स आर सेपरेटेड टू ईच अदर। ये वाइस वर्सा कंडीशंस हम लोग लिखते हैं, मतलब अगर हमको ये कंडीशंस आ गया तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सर्कल्स आर
सर्कल्स आर सेपरेटेड, ठीक है ना, टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, इस तरह से सेपरेटेड है। और अगर कहीं पर सर्कल्स लिखा हुआ है सेपरेटेड है तो हम कंडीशंस ये लगाएंगे, वाइस वर्सा का मतलब यही है। तो अगर दो सर्कल्स में कंडीशंस ये आ गया, इसका मतलब दोनों सर्कल्स सेपरेटेड है, ठीक है। दूसरा जो कंडीशंस इसमें आ जाता है कि अगर एक सर्कल दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा हो, सपोज करो कि एक सर्कल इस तरह से टच कर रहा है एक्सटर्नली दूसरे सर्कल्स को, तो हम कंडीशंस क्या लगाते हैं कि सर्किल के जो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है, दैट इज ओ वन ओ टू का जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट किए हैं, ये डी आर वन और आर टू के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो कंडीशंस है कि इफ डी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, नहीं, इसका जो रेडियस का सम है और इसके जो रेडियस का सम है, अगर ये सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, तो हम लिखेंगे सर्कल्स आर टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। इसमें भी बोथ साइड इंप्लाइज कर रहे हैं, सर्कल सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, इस तरह से हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो मैथमेटिकली हम ये देखेंगे कि इफ डी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली, और कहीं पर अगर ऐसा लिखा होगा कि सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो कंडीशंस हम लोग यही अप्लाई कर देंगे, डी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ये दो कंडीशंस हो गया। तीसरा कंडीशंस अगर तुम देखोगे तो एक सर्किल दूसरे सर्किल्स का इंटरनली टच भी कर सकता है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह का फिगर देखें कि एक सर्किल जो है वो इस तरह का है और दूसरा सर्किल इसको इंटरनली इस तरह से टच कर रहा हो, ठीक है, ऐसे अगर टच कर रहा हो सर्कल, तो हमें कंडीशंस देखो क्या आएगा कि मान लो इसका सेंटर जो है वो ओ वन है, मान लो कि एक का सेंटर ओ वन है और इसका सेंटर ओ टू है, तो सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि इसका जो सेंटर से रेडियस ये आर वन है और इसका जो रेडियस है वो आर टू है, राइट। तो तुम देखोगे कि ये आर वन माइनस आर टू के बराबर ही है, मतलब ओ वन ओ टू का जो डिस्टेंस है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अगर आर वन माइनस आर टू के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर ना देखो, अगर हमको रेडियस पता है कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तब तो हम आर वन माइनस आर टू कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं कंडीशंस लिखना हो, इस चीज को ध्यान रखना, अगर कंडीशंस लिखना हो, हमें नहीं पता कि कौन सा आर वन है और कौन सा आर टू है, इस पर हमेशा मॉड लगा के रखना है, ठीक है। मॉडुलस का मतलब है कि चूंकि ये डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सो आर वन माइनस आर टू का जो मॉड है, अगर ये डी के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि एक सर्किल दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। सो वन सर्कल टचेज ईच अदर, वन सर्किल टच अदर इंटरनली, ठीक है, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। तो इस तरह से अगर कोई कंडीशंस लिखा हुआ है या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक सर्किल दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, तो हम कंडीशंस ये अप्लाई करेंगे, डी बराबर आर वन माइनस आर टू का मॉड, ठीक है। तो ये तीसरा कंडीशंस था जो इस प्लेन में अगर दो सर्किल्स दिया हुआ हो तो हम डिसाइड करेंगे। जो उसके बाद चौथा कंडीशंस है कि अगर सर्किल एक दूसरे को कट कर रहा हो, सपोज करो कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को दो जगह पर कट करता है, इस तरह से अगर कट कर रहा हो, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है, एक सर्किल का सेंटर ओ वन दूसरे सर्किल का सेंटर ओ टू है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे और क्या कंडीशंस लगाएंगे कि ताकि दोनों सर्किल एक दूसरे को कट कर रहा हो। तो अभी देखो कि अभी हम लोग एक चीज देखे थे कि अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहा हो, एक्सटर्नली टच में क्या था कि ओ वन ओ टू का जो डिस्टेंस था, मतलब डी जो था वो बराबर था आर वन प्लस आर टू, और इंटरनली टच में डी जो है आर वन माइनस आर टू से के बराबर है। तो हमें कह रहा है कि इस कंडीशंस में जब एक दूसरे को ये कट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो हम कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पर कि O1 O2 का जो डिस्टेंस है d, ठीक है, ये d का जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन r1 माइनस r2 का मॉड होगा और लेसर देन r1 प्लस r2 होगा, ठीक है। इधर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि r1 और r2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, इस पॉजिटिव क्वांटिटी से d जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, इधर सब्ट्रैक्ट किए हैं इसलिए इसमें मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो होगा ये अप्लाई होगा अगर सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, यहां पर भी बोथ साइड इंप्लाइज कर रहे हैं, सर्कल सर्कल
कट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ठीक है ना। इस तरह से हम कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। ये कंडीशंस हम लोग यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर हमें सर्किल्स कर रहा हो, इंटरसेक्ट करना है, इसमें दोनों कंडीशंस अप्लाई करना है, क्योंकि एक्सटर्नली टच का और इंटरनली टच जो है वो इसका क्या लिमिटिंग केसेस है, मतलब उससे जस्ट छोटा और इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए। सो डी मस्ट बी लेस देन आर वन प्लस आर टू एंड ग्रेटर देन आर वन माइनस आर टू होगा तो एक सर्किल दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। ये चौथा कंडीशन था, चौथा स्टेटमेंट था कि अगर हमें दो सर्कल्स दिया हुआ हो प्लेन में तो हम दोनों का पोजीशंस कैसे पता करते हैं। पांचवा जो इसमें आता है ना कि एक सर्किल कंप्लीटली दूसरे के इनसाइड हो, मान लो कि इस तरह से दिया हुआ हो, ये टच नहीं कर रहा, एक सर्किल दूसरे के अंदर है, ठीक है, ओ वन ओ टू, तो इस केस में क्या होगा, डी मस्ट बी लेस देन आर वन माइनस आर टू का मॉड होगा। अगर ये दोनों के रेडियस से छोटा है, उनका डिफरेंस से छोटा है, तो पक्का एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है, ठीक है। अगर ये इक्वल था तो ये टच कर रहा था और उससे जस्ट छोटा हो गया, तो वन सर्कल लाइज इनसाइड अदर सर्कल, ठीक है। इस तरह से ये वाइस वर्सा सारे कंडीशंस ट्रू है। तो ये हम लोग देख रहे थे कि अगर प्लेन में दो सर्किल्स दिया हुआ हो तो हाउ टू डिसाइड वन सर्किल और अदर सर्कल का रिस्पेक्टिवली पोजीशंस क्या है, ठीक है। रिस्पेक्टिव पोजीशंस का मतलब है कि एक सर्कल प्लेन में दूसरे सर्किल को कट कर रहा है, टच कर रहा है, इनसाइड है, इंटरनली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पता हमने कर लिया। अब इसमें आता है कि जो अगर सर्किल दो प्लेन में दो सर्किल्स है तो हम कैसे पता करेंगे इस पर कितना टेंजेंट्स होगा और उस टेंजेंट्स का इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ध्यान से कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और नंबर ऑफ टेंजेंट्स पता कर लेते हैं इस सर्कल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला पोजिशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जिसमें एक सर्किल दूसरे सर्किल को टच या कट नहीं कर रहा है और मैथड्स ऑलमोस्ट सब में सेम ही होगा, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हमको एक सर्किल्स दिया हुआ है प्लेन में, ठीक है, और दूसरा सर्किल्स जो है वो सेपरेटेड है, इस प्लेन में ही है बट सेपरेटेड है, तो ऐसे केसेस में इस पे चार कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है, ठीक है। एक जो दो जो कॉमन टेंजेंट्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है, और ठीक है ना, दूसरा इस तरह से जाएगा जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होगा, ठीक है। इस ध्यान से देखो इस फिगर को, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होता है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये प्रॉपर्टीज है सर्कल का कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, या कह सकते हो कि जो कॉमन टेंजेंट्स है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऑलवेज लाइज ऑन ए लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, ठीक है। मतलब इसका सेंटर अगर ओ वन है और इसका सेंटर ओ टू है, तो ओ वन ओ टू से जो लाइन जा रहा है ना, ये जो लाइन जाएगा इसी लाइन पर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट लाई करता होगा, ठीक है। तो ये बाजू में ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है, ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बोलेंगे, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो पी पर लाई करता है। इसी तरह से दो टेंजेंट्स और भी पॉसिबल है जिसको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम फिगर बना के दिखा सकते हैं कि ये दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स इस पर पॉसिबल है। सो कुल मिलाकर के तुम्हें चार कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होगा अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल को टच या कट नहीं कर रहा है, मतलब एक सर्किल दूसरे से सेपरेटेड है, तो हमको दो जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मिला, इसको डीसीटी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और इसको हम बोलते हैं टीसीटी, दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। सो डायरेक्ट कितना होगा, दो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा, दो, ठीक है। इस तरह से दोनों कॉमन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट किस पर लाया करेगा, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। अब है किसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, नंबर्स तो हमें पता चल गया कि चार कॉमन टेंजेंट्स इस केस में पॉसिबल होगा अगर एक सर्किल दूसरे को टच या कट नहीं कर रहा, मतलब सेपरेटेड है, तो चार कॉमन टेंजेंट्स है। इस चारों का इक्वेशन देखो बहुत आसानी से पता चल जाता है, ठीक है, कि अगर हमको सर्किल का इक्वेशन है तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट्स तो हमें पहले से पता है कि -g1 -f1 है, और ये कोऑर्डिनेट्स -g2 -f2 है, ठीक है ना, रेडियस भी हमें पता है। तो अब यहाँ से एक ज्योमेट्री देखो,
कि ओ को अगर इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दो, मान लो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को टी बोल रहे हैं या टी वन बोल रहे हैं, और यहां से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके उसको टी टू बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम देखोगे कि पी ओ वन टी वन, ट्रायंगल पी ओ वन टी वन एंड पी ओ टू टी टू, पी ओ टू टी टू, चूंकि यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब पी ओ वन टी वन एंड पी ओ टू टी टू आर सिमिलर। जब ये सिमिलर होगा तब पी ओ वन बाय पी ओ टू क्या होगा, ओ वन टी वन बाय ओ टू टी टू होगा, और जो आर वन बाय आर टू है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी तुमको याद हो रहा होगा कि अगर पी कोई पॉइंट है जो ओ वन ओ टू को आर वन इज टू आर टू के रेशियो में डिवाइड करता है, तो क्या हम पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ऑब्वियस है कि जिस फिगर के हिसाब से पी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ओ वन ओ टू को आर वन इज टू आर टू के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे कंक्लूजन कि दिस इंप्लाइज पी डिवाइड्स ओ वन ओ टू एक्सटर्नली इन द रेशियो ठीक है, आर वन इज टू आर टू, ठीक है। जब ये चीज हमें कंफर्म हो गया तो तुम देखो कि जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू है, और तुम्हें अगर इस पॉइंट्स को यहाँ से मिला दो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टच कर रहा है, इसको हम टी वन डैश, और इस ओ वन से इसको बोल देते हैं टी टू डैश। तो तुम देखोगे कि क्यू टी वन डैश ओ वन ये ट्रायंगल, और क्यू टी टू डैश ओ टू, चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्यू ओ वन बाय क्यू ओ टू, ये भी तो हमारा ओ वन टी वन डैश बाय ओ टू टी टू डैश होगा, या आर वन बाय आर टू होगा। तो जब पी ओ वन बाय पी ओ वन बाय पी ओ टू आर वन बाय आर टू है, क्यू ओ वन बाय क्यू ओ टू भी आर वन बाय आर टू है, पी इसको ओ वन ओ टू को एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो पक्का है कि क्यू जो है ये आर वन आर टू के रेशियो में ओ वन ओ टू को इंटरनली डिवाइड करता होगा, ठीक है। देखो यहां से हमने क्या कंक्लूजन किया कि दिस इंप्लाइज क्यू डिवाइड्स ओ वन ओ टू इंटरनली इन द रेशियो ऑफ आर वन इज टू आर टू। अब तुम्हें यहां से ये चीज पता चल गया कि P और Q का कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान हो गया। सो इसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, Q इसको R1 R2 के रेशियो में एक्सटर्नल इंटरनली कर रहा है, P जो है वो एक्सटर्नली, तो Q का जो कोऑर्डिनेट्स होगा हम क्या लिखेंगे, R1 R2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे R1 माइनस G2 प्लस R2 माइनस G1, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और R1 माइनस F2, ठीक है, प्लस R2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया Q का, ठीक है ना। और सिमिलरली P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा R1 माइनस G2 माइनस R2 माइनस G1 होल डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ये X कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली R1 माइनस F2 माइनस R2, ठीक है, माइनस F1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ये इसका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सपोज करो कि इसको हम x और y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जो भी है, हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया, p का कोऑर्डिनेट्स मिल गया और q का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लिए, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, p o1 o2 को एक्सटर्नली डिवाइड किया, q o1 o2 को इंटरनली डिवाइड किया, q का कोऑर्डिनेट्स और p का कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके इक्वेशंस के लिए। तो देखो इसको हटा दे रहे हैं, अब हमें जब कोऑर्डिनेट्स पता चल जाता है तो इक्वेशंस बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट करते हैं। कहता है क्या कि कोई भी जो लाइन है वो पी से पास कर रहा है और इस पर टेंजेंट्स है, जब भी होगा तो दोनों सर्किल को टच करता होगा। तो जब दोनों सर्किल को टच कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है कि एक सर्किल, किसी भी सर्किल को तुम ले लो एस वन या एस टू में से, और इस पर जो स्लोप फॉर्म में इक्वेशंस हमने बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से, जो सर्किल पर टेंजेंट्स का इक्वेशन बताया था, उसी को फॉलो करना है, ठीक है। चाहे तुम ए सर्किल लो या ये सर्किल लो, कोई एक सर्किल ले लो, तुम टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालोगे ना तो वो दोनों को टच करेगा ही करेगा, ठीक है।
क्योंकि ये जो पॉइंट से टेंजेंस होगा वो दोनों सर्किल पर ही होगा। तो हम मान लो कि इसको S1 लिए हैं, तो S1 हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो S1 को हम क्या लिख देंगे इसके फॉर्म में, ये लिखेंगे x plus g1 का होल स्क्वायर plus y plus f1 का होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर जो होगा ये हम लिखेंगे अंडर रूट g स्क्वायर plus f स्क्वायर g1 f1 इसका होल स्क्वायर। और इस पर जो टेंजेंट का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ये लिखना है स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, ठीक है। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे y plus f1 बराबर m into x plus g1 प्लस या माइनस में से कोई एक, याद होगा इस चीज पर पहले भी फोकस किए हुए, इसमें दो टेंजेंट्स होता है एक ही स्लोप का। जब हम सपोज करते हैं तो हम कोई भी एक लेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला, हम प्लस वाले को प्रीफर कर लिए, प्लस आर की जगह पर, आर वन की जगह पर ये अंडर रूट जी वन स्क्वायर एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, राइट। कोई भी सर्कल होगा उसके स्लोप फॉर्म का इक्वेशन आ गया, इसमें स्लोप एम जो है वो अननोन है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को बारी बारी से एक बार पी के साथ सॉल्व करना है, पी के साथ पास करा के सॉल्व करना है, एक बार क्यू के साथ। जैसे ही इसको पी के साथ पी से पास कराओगे, एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और एम में जो क्वाड्रेटिक होगा उससे दो इक्वेशंस मिलेगा एम का। सिमिलरली क्यू के साथ पास करा दो इसको, फिर से हमको m में क्वाड्रेटिक मिलेगा और फिर हमको m का दो वैल्यू मिलेगा। जो दो टेंजेंट्स यहां से मिला, दो टेंजेंट्स दोनों का इक्वेशन हम लिख देंगे। यहां पर लिख दे रहे हैं इफ दिस पासेस थ्रू p, ठीक है, देन इक्वेशन विल बी इन क्वाड्रेटिक इन m, ठीक है। यहां से m में क्वाड्रेटिक मिलेगा और हमको m का दो वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली फॉर q, ठीक है, इसको याद रखना कि इस इक्वेशन को हम एक बार p से पास करा देंगे, एक बार q से पास करा देंगे, m में हमको आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके m1 और m2, मान लो कि इसका स्लोप m1 और m2 आ गया, m1 m2 इसका रूट्स होगा। सिमिलरली इससे हमको m1 डैश और m2 डैश मिल जाएगा और दोनों इक्वेशंस हम आसानी से निकाल लेंगे। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप हम यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल ही लिए हैं, तो पॉइंट सॉल्व फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिख देंगे। सो हम एग्जांपल्स में लेकर के बताएंगे भी। सो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालते हैं अगर हमको दो सर्किल सेपरेटेड फॉर्म में दिया हुआ हो तब, ठीक है। अब तुमको देखना है इसमें कि अगर ये सर्किल टच कर रहा हो तो क्या सेम चीज होगा, ठीक है, या सेम इक्वेशंस हम निकालेंगे या इक्वेशंस चेंज होगा। नहीं, बिल्कुल सेम ही होगा। देखो कैसे, अगर ये सर्कल मान लो कि टच किया, ठीक है, अब तुमको सिर्फ देखना है और प्रोसेस यही हमको अप्लाई करना है। अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल को टच कर रहा हो, सपोज करो इस तरह से टच कर रहा है, टच करेगा ना तो दो जो डायरेक्ट टेंजेंट्स था वो तो होगा ही होगा, ठीक है। सो दो डायरेक्ट टेंजेंट्स होगा, बट ट्रांसवर्स टेंजेंट जो होगा वो एक ही होगा। सो कुल मिलाकर के हमको तीन टेंजेंट्स मिलेगा, जिसमें से दो जो है वो डायरेक्ट मिलेगा, टू डायरेक्ट टेंजेंट्स, ठीक है, टू डायरेक्ट टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ओनली वन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स मिलेगा और दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मिलेगा, राइट, ठीक है। तो इस तरह निकालने का तरीका सेम होगा। इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको निकालने का तरीका और इसको निकालने का तरीका सेम ही होगा। अभी जो पॉइंट आएगा वो तुमको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्किल पर ही होगा और यहाँ से हम इक्वेशंस निकाल लेंगे और सिमिलरली ये पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे जो आर वन आर टू के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। सो दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट नहीं कर, सॉरी, जो अब टच कर रहा होगा एक्सटर्नली, तो इसमें तीन ही टेंजेंट्स होगा, दो डायरेक्ट होगा और एक ट्रांसवर्स होगा। तीसरा जो केस हम लोग बताए थे कि जैसे कि अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज करो इंटरसेक्ट कर रहा है, जब इंटरसेक्ट करेगा तो इसमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ही होगा, इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से दो टेंजेंट्स होगा जो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स जो है वो टेंजेंट्स नहीं होकर के इस केस में कॉर्ड आ जाता है, ये कॉर्ड है जिसको हम कॉमन कॉर्ड बोलते हैं, दिस इज कॉमन कॉर्ड, राइट, कॉमन कॉर्ड है। पहले हम लोग कॉर्ड देखे थे, अब हम कॉमन चीज देख रहे हैं, क्योंकि प्लेन में दो सर्किल्स है
तो दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड, ठीक है। उस केस में हमें जो ट्रांसवर्स टेंजेंट आता था, अब ये टेंजेंट नहीं होगा, अब क्या होगा, ये कॉमन कॉर्ड होगा, ठीक है, राइट। तो दो टेंजेंट्स होगा जो डायरेक्ट है, और एक कॉमन कॉर्ड होगा व्हेन टू सर्किल्स कट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसको याद रखना है कि व्हेन सर्किल कट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन देयर आर टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड वन कॉमन कॉर्ड, ठीक है। इस तरह से हमें दो सर्किल्स अगर इंटरसेक्ट करना है तो उसका पोजिशन है। अच्छा, तरीका जो निकालने का है ना वो सेम ही है, ठीक है। जो P का कोऑर्डिनेट्स होगा वो निकालेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली अगर कोई सर्कल सपोज करो कि इस तरह से इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है, तो इसमें एक ही टेंजेंट्स पॉसिबल होगा जो कॉमन है, ओनली वन टेंजेंट्स, ठीक है ना। इस तरह से टेंजेंट्स आएगा। इसका भी तरीका देखो, निकालने का तो हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो होगा वो एक्सटर्नली टच करता इंटरसेक्ट करता है O1 O2 को R1 R2 के रेशियो में। अदरवाइज हमें एक और मेथड्स है जिससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा देर में बताएंगे इसको, ठीक है। और अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल के इनसाइड है, सपोज करो कि ये कम्प्लीटली इनसाइड है, देयर इज नो कॉमन टेंजेंट्स, नो कॉमन कॉर्ड, इसमें ना तो कोई कॉमन कॉर्ड होगा ना ही कोई कॉमन टेंजेंट्स होगा। कॉमन कॉर्ड तभी बनेगा जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता होगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, ठीक है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम लोग बार बार ये चीज बता रहे थे कि अगर सर्किल टच करता है तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है उसका शॉर्टकट क्या मेथड है। तो मैं देखो कि अगर हम एक सर्किल मान लो कि इसको इस तरह से टच कर रहा है, जब टच करता है तो ये जो टेंजेंट्स का इक्वेशन है या जो इंटरसेक्ट कर रहा था उस केस में जो हमें इस लाइन जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन पास कर रहा था, ये ए और बी से जो पास कर रहा है, जिसको हम कॉमन कॉर्ड बोल रहे थे, ठीक है, ये जो कॉमन कॉर्ड है या कॉमन टेंजेंट्स है या जो सर्किल एक दूसरे को इस तरह से टच कर रहा है इंटरनली और यहाँ जो लाइन पास कर रहा है इसका, तो ये तीनों इक्वेशंस जो है हम इन दोनों सर्किल्स को सॉल्व करके ही निकाल लेते हैं। मतलब S1 बराबर S2 कर दो या S1 - S2 = 0 कर दो। देखो S1 - S2 = 0 जब दो हम दो लाइन दो कर्व को सॉल्व करोगे तो क्या करो, दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेट करते तो हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा है। हमको S1 = S2 करने से या S1 - S2 = 0 करने से एक लाइन का इक्वेशन आ रहा है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि सर्किल के फॉर्म में इक्वेशन हो, मतलब x2 y2 कोफिशिएंट पहले 1 होना चाहिए तभी हम S1 = S2 करेंगे। अगर x2 y2 कोफिशिएंट 1 नहीं है तब नहीं आएगा। फर्स्ट क्या है, S1 और S2 के जो इक्वेशंस है उसमें x2 y2 कोफिशिएंट को यूनिटी करना है और फिर S1 - S2 = 0 करना है। जब S1 - S2 करोगे ना, देखो यहाँ से आ जाएगा 2x × g1 - g2, ठीक है, प्लस 2y × f1 - f2 प्लस c1 - c2 = ये तो एक लाइन है ना। इस लाइन जो ये x और y में जो लीनियर इक्वेशन आया, जो लाइन का इक्वेशन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम दो सर्किल को इक्वेट किए हैं तो वो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि दोनों सर्किल्स को वो सेटिस्फाई किया होगा, तो इस पॉइंट से ही तो एक लाइन पास कर रहा है ना, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है जो इस कॉमन पॉइंट्स को टच कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है सर्किल पर भी, ये दोनों सर्किल को। तो कह रहा है कि ये जो कॉमन टेंजेंट्स है उसका इक्वेशन हम S1 - S2 = 0 से भी लिख सकते हैं। इस कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन S1 - S2 = 0, इस कॉमन टेंजेंट्स का भी इक्वेशन S1 - S2 = 0, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे हम इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स लिख सकते हैं इफ टू सर्किल्स टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। इफ टू सर्किल कट ईच अदर एक्सटर्नली देन S1 - S2 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इफ टू सर्किल टचेज ईच अदर इंटरनली देन S1 - S2 रिप्रेजेंट्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये S1 - S2 = 0 जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को या इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये चीज हम पहले जो मेथड्स बताए उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पर फोकस किए। इसमें एक चीज और आता है, हम लोग एग्जांपल्स भी लेंगे इसमें, ठीक है, इक्वेशन के साथ कि टेंजेंट्स जो था उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का लेंथ और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स का लेंथ। लेकिन उसको हम लोग, उससे पहले हम एक एग्जांपल्स तुमको बता रहे हैं
जिससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जस्ट देखो, थोड़ा वेट कर लो इसको, ठीक है। हम लोग सारे टर्म्स को एक एक करके हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पिछले 18 सालों से मैं दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। तुमको मैथमेटिक्स में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अगर तुम सारे वीडियोज को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और हर वीडियोज में हम एग्जाम्पल्स के साथ और तुमको जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसको फॉलो करो और क्वेश्चंस को इस पर ट्राई करो। देखो इसमें हम लोग एक क्वेश्चंस ले रहे हैं जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड है। जैसे कह रहा है फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल दिया हुआ है एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन, एंड दूसरा सर्कल दिया हुआ है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर, ठीक है। करा फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो तुम देखो एक सर्कल जो है जिसका सेंटर कहाँ है, जीरो जीरो है, रेडियस कितना है वन। दूसरा सर्किल क्या है जिसका सेंटर वन कॉमा थ्री है और रेडियस फोर है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये सर्किल कैसा है, सेपरेटेड है या कट कर रहा है, टच कर रहा है, जैसा भी है। सबसे पहले हम वो पोजिशन पता करेंगे। तो हमें क्या बोले थे कि ओ वन ओ टू का डिस्टेंस देखो। तो ओ वन ओ टू का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें मिल जाएगा सेक्शन ये डिस्टेंस फार्मूला से, वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, नाइन प्लस वन टेन अंडर रूट टेन। और जो रेडियस का सम है वो देखो वन प्लस फोर फाइव है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये जो वैल्यू है ना वो लेस देन हमारा फोर प्लस फाइव आ गया, दैट इज फोर, सॉरी इसका जो लेंथ ये तो टू है, टू प्लस वन थ्री है, और इसका वैल्यू जो है ना वो थ्री से ज्यादा होगा। तो दिस इज ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू जो है वो थ्री है, क्योंकि इसका रेडियस जो होगा वो टू स्क्वायर टू। देखो ये सब गलती हो जाता है, फोर नहीं करना है हमको, टू है रेडियस, इसका रेडियस वन है, तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा थ्री, अंडर रूट टेन जो है वो थ्री पॉइंट समथिंग है, पता है दोनों सर्किल एक दूसरे से सेपरेटेड है। जैसे ही सेपरेटेड हो गया तो ऑब्वियस है इसमें चार टेंजेंट्स होगा, दो इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होगा और दो उसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स भी होगा। इस तरह से दो इधर से बनेगा और दो इधर से बनेगा, ठीक है। अब है कि हमको ये पी पॉइंट्स और ये क्यू पॉइंट्स को निकालना। तो हमें पता है कि ये 1 इंटू 2 के रेशियो डिवाइड करता है, तो हम क्यू का कोऑर्डिनेट देखो 1 इंटू 3 1 इंटू सॉरी 1 प्लस 2 इंटू 0 बाय 1 प्लस 3 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 बाय 1 प्लस 2। इस तरह से हमें निकल गया 1 बाय 3 और ये आ गया 3 बाय 3 दैट इज 1। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें क्यू का निकल गया। सिमिलरली अगर हम पी का निकालेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगाओगे तो वन माइनस टू ये तो जीरो ही हो गया, वन माइनस टू माइनस आ जाएगा, ये आ गया तुमको कितना माइनस वन, और यहाँ पर माइनस लगाओगे ये तो जीरो ही है, ये आ गया तुमको वन इंटू थ्री थ्री और वन माइनस टू ये आ गया माइनस थ्री। इस तरह से हमको पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। उसके बाद तुमको बोले थे कि टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखो, चाहे इस सर्किल या इस सर्किल, इस सर्किल पर लिख देते हैं चूंकि आसान है, तो हम लिखेंगे वाई बराबर एम एक्स प्लस रेडियस वन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। इसको हम इस पॉइंट से पास करा देते हैं, आ जाएगा माइनस थ्री बराबर एम माइनस वन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर दो, एम माइनस थ्री का होल स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस नाइन बराबर वन प्लस एम स्क्वायर। ये देखो एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तुम्हें आ रहा है सिक्स एम बराबर एट, एम बराबर एट बाय सिक्स, टू से कैंसिल होगा फोर बाय थ्री। तुम्हें याद होगा इसमें बताए थे कि अगर एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एम का एक ही वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दो टेंजेंट्स नहीं होगा, एक टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है जिसका स्लोप अनडिफाइंड है, इसीलिए इसमें एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो मतलब एक टेंजेंट्स जो होगा वो इस तरह से टेंजेंट्स बन रहा होगा जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो हम उसका इक्वेशन लिखेंगे एक्स बराबर माइनस वन दैट इज एक्स प्लस वन बराबर जीरो, और दूसरा टेंजेंट जो है उसका स्लोप हमें पता है, उसका इक्वेशन लिखेंगे वाई प्लस थ्री बराबर फोर बाय थ्री एक्स प्लस वन। ये हमको दो टेंजेंट्स का इक्वेशन मिल गया, एक ये है एक ये है। सिमिलरली इसको यहाँ से पास करा दो, जैसे ही इससे पास कराओगे तो तुम को देखो एक टेंजेंस ऐसे आ रहा है ना, तो दूसरा टेंजेंस जो होगा वो एम का वैल्यू जीरो आ जाएगा। यहाँ से पास करा दो तो वन बराबर वन बाय थ्री एम प्लस वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। इसमें आ गया वन माइनस वन बाय थ्री एम का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो तो वन प्लस एम स्क्वायर बाय नाइन माइनस टू एम बाय थ्री दैट इज इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर,
ठीक है ना। सो ये आ रहा है एम स्क्वायर, इसको इधर कंप्लीट करेंगे तो 1 - 1/9 8/9 ठीक है, प्लस 2m/3 -1 = 0 ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये आ रहा 8m² प्लस 6m - 9 = 0 ठीक है ना। और यहाँ से हमको m का दो वैल्यू मिल जाएगा, इसको हम देखो इसको जो भी है m का हमको यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएगा, m1 और m2 जैसे ही दो वैल्यू मिलेगा इसको सिंप्लीफाई कर देना, m का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब m बराबर हम दे देंगे -6 + -√b² 36 प्लस आ जाएगा 4 × 8 × 9 / 2 × 8 यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल गया। तो हमको जैसे q का कोऑर्डिनेट हमें पता था, m1 और m2 हमको मिल गया, इक्वेशन हमें मिल जाएगा, तो दो हमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आ गया और दो हमको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स का, मतलब हर तरह मेथड हमको यही है ठीक है। टेंजेंट्स का इक्वेशन अगर निकालना हो तो सेम फॉलो करना है, चाहे वो टेंजेंट्स डायरेक्ट दो निकालना हो चाहे ट्रांसवर्स निकालना हो। अच्छा, और दूसरा चीज़ हम बता ही दिए कि अगर हमको सर्किल टच कर रहा हो तो उसका हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करो ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारा टर्म्स और भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय।